नवरंग पदयात्रा महोत्सव समिति द्वारा परतवाड़ा से चिकलदरा भव्य दिव्य पदयात्रा निकालकर इसे सफल बनाने का कार्य किया गया है। विगत 5 वर्षों के बाद यह पदयात्रा सफल हो पाई है। देवी पॉइंट पर हजारों दर्शकों ने दर्शन लिया, स्थित दर्शनों ने पर्यटन नगरी का भी आनंद लिया। पर्यटन नगरी में मनोरंजन के संसाधन इस बार उपलब्ध कराए गए हैं, खासकर मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल पहाड़ियों के बीच चलती है, इसी के साथ घुड़सवारी, ऊँट सवारी, साथ ही विविध प्रकार के खेल खिलौने यहाँ पर उपलब्ध थे, कई सारे झूले यहाँ उपलब्ध थे। यही नहीं तो मोथा पॉइंट पर एक ट्रेन भी थी, यह ट्रेन पर्यटकों को और उपस्थित सैलानियों को और इस पदयात्रा में शामिल भक्तों को सैर सपाटा करा रही थी। इस पूरी पदयात्रा में भक्तों ने चिकलदरा के अंदर विविध पॉइंट पर जाकर वह भी देखे, और बरसात के इस दौर में प्रकृति ने जिस प्रकार से हरी चादर ओढ़ी है, यह चित्र भी एक प्राकृतिक सौंदर्य चिकलदरा में लोगों को देखने को मिला। हमारे साथ जिला परिषद की तत्कालीन सदस्य श्रीमती वासंती ताई मंगरोड़े, इन्होंने सिटी न्यूज़ से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी, जो कि आने वाले कांग्रेस में विधान परिषद की संभावित उम्मीदवार भी कहलाई जा रही है। उन्होंने सिटी न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि निरंतर यह पदयात्रा अखंडित रूप से शुरू रही है, और यह पदयात्रा शुरू होने के बाद वह उनसे उनके जो बिछड़े हुए कार्यकर्ता थे वह भी यह पदयात्रा के माध्यम से उनसे जुड़ चुके हैं, और आने वाले समय में वह लगातार 24 घंटे तक पदयात्रा में अपना खिचड़ी का स्टॉल लगाएंगी। और उल्लेखनीय बात यह है कि वासंती ताई मंगरोड़े इनका निर्माण संस्थान की ओर से आखिरी तक यह स्टॉल शुरू रहा। मैं नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़, परतवाड़ा। हमारे साथ है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता वासंती ताई मंगरोड़े, जो जिला परिषद अमरावती की सदस्य भी है और विविध सामाजिक उपक्रमों में, धार्मिक उपक्रमों में और राजकीय उपक्रमों में हमेशा अग्रसर रहती है। हर साल उनका आयुषी रिसोर्ट के सामने यहाँ पर स्टॉल लगता है, और चिकलदरा देवी दर्शन महोत्सव के अंदर उनका अभी भी स्टॉल चालू है। निरंतर रूप से भक्तों के लिए यहाँ पर स्टॉल जारी है, उनको साबूदानी खिचड़ी का वितरण हो रहा है। क्या उनकी प्रतिक्रिया है, 5 वर्षों के बाद में यह उपक्रम और वापस शुरू हुआ, क्या वो कहेंगे? नवरंग आयोजक समिति परतवाड़ा यांच्या अनुषंगाने ही पदयात्रा देवीची दरवर्षी सुरू असते, पण मागच्या 4-5 वर्षापासून ही पदयात्रा थांबलेली होती। कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांना येता आलं नाही, आणि ह्या वर्षी जसं पदयात्रेचं सर्वांनी ऐकलं तर सर्वांमध्ये एक उत्साह निर्माण झाला, यासाठी लोक तयार झालेत आणि खूप खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांनी इथे येऊन देवीचे दर्शन घेतलेत, आणि त्यांचा उत्साह पाहून, त्यांचा आनंद पाहून आम्ही जे स्टॉल लावतो खिचडीचे, त्याच्यामध्ये आम्हालासुद्धा त्यांची सेवा करण्याचा जो एक मौका भेटला इथे, त्याचं खरोखरच मनोमन आम्ही परमेश्वरालाही धन्यवाद देतो की कोरोनासारख्या महासंकटातून मुक्त होऊन आज ही पदयात्रा पूर्ण झाली असं मला इथे सांगू इच्छिते। कारण की लोकांच्या भावना खूप चांगल्या होत्या आणि खूप गर्दी होती। चिकलदऱ्याच्या देवी पॉईंटवर सुद्धा लोकांची, खूप भाविकांची गर्दी होती, अनेक विभागातून लोक आलेले होते। म्हणजे मी सांगते की माझ्या पत्रोड जिल्हा परिषद सर्कलचे सगळीच गावं इथे होती। जनुनाचे बाळूमामांचा रथ होता, दिंड्या होत्या, भजन होत्या, कासमपूर, जवलापूर सारख्या, परसापूर सारख्या लोकांनी, अमराजी बुवा फ्रेंड्स क्लबच्या मुलांनी सुद्धा इथे योगदान दिलं। गावागावातून लोक योगदान द्यायलाही आले आणि इथे दर्शनालाही आले, आणि त्यांचा उत्साह पण आम्हालाही खूप आनंद झाला। ताई, आपण सुद्धा साईबाबांचे भक्त आहे, साईरत्न पॅनल आपण निवडून आणता प्रत्येक वर्षी, आणि यावेळेस सुद्धा ज्या प्रकारे आपल्यासोबत जी युवा मंडळी आली आणि जे कार्यकर्ते आपल्यासोबत आले, कुठंतरी या पदयात्रेच्या माध्यमातून अजून एकदा कार्यकर्ता एक झाला असं वाटते का? हो, बिलकुल कार्यकर्ता एक झालेला आहे। मागच्या 5 वर्षिकमध्ये चिखली सर्कलमधून जेव्हा मी निवडून आली होती तेव्हा मला 42 गावांचं प्रतिनिधित्व मिळालेलं होतं चिखली सर्कलमध्ये। त्या सर्कलची म्हणजे बहुतांशी लोक जी खालच्या भागाला राहतात, चिखलदऱ्याच्या जवळपासची जीही गावं आहेत, माझे 9-10 गावं आहेत, त्या पूर्ण गावांच्या लोकांच्या आज अक्षरशः म्हणजे फेस टू फेस माझी भेट झाली, आणि त्यांनाही खूप आनंद झाला मनापासून। कारण की मागच्या 2 वर्षापासून आम्ही लोक अजिबात एकमेकांना भेटलो नव्हतो, आणि आज या पदयात्रेच्या निमित्ताने आमची सगळ्यांची महिला